हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो एन अदर डे। तो आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे? मैं भी बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है QA, जिसमें आपने जितने भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का मैं आंसर दूंगी, और मेरी यही कोशिश होगी कि सब आंसर्स को मैं अच्छे से कवर कर सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपके जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं ट्राई करूंगी उन सब का आंसर देने का। तो चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एनी अदर डिले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है कि आप कहाँ रहती हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पंजाब में, पंजाब के किसी एक ज़िला में रहती हूँ। तो ये मैं आपके साथ रिवील करूँगी अपकमिंग्स वीडियोस में, जब मैं आपको अपने घर का और सारा जो है वो बताऊँगी। तो आप लोगों ने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से वो ये है कि आपने यूट्यूब कब शुरू किया काम यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पर मैंने काफ़ी अर्सा पहले किया था, मेरे 2-3 चैनल हैं, लेकिन वहाँ मैं प्रॉपर काम नहीं कर सकी, मुझे इतना आइडिया नहीं था यूट्यूब पर काम कैसे करते हैं, तो इस वजह से मुझे उनका आइडिया ही नहीं था। वहाँ मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो अच्छे खासे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपने यूट्यूब पर कब काम शुरू किया, तो इस चैनल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इस चैनल पर मैं अभी मैंने काम शुरू किया है, तकरीबन पिछले महीने मैंने ये काम शुरू किया है। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वह आप कहाँ रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान के सिटी किस सिटी में हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन मैं पाकिस्तान पंजाब में रहती हूँ। आपने और उसके अलावा पंजाब में कहाँ रहती हूँ ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी बताने के लायक नहीं है, लेकिन हिंट दे दूँगी आपको। एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मैं आपको बता दूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ये जो है ग्रेजुएशन मैंने की हुई है, और अभी मेरा जो है अभी आगे करने का इरादा है पढ़ने का। फिर आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है आप कितने बहन भाई हैं, तो हम जो हैं 4 बहन भाई हैं, जिनमें से कुछ मैरिड हैं और बाकी अनमैरिड हैं, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मेरी ये सोच होती है कि लोग अगर कैमराज में नहीं आना चाहते तो उनको नहीं लाना चाहिए। आप कितने बहन भाई हैं, ये फिर से क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, आप कितने बहन भाई हैं, तो हम 4 बहन भाई हैं, और जिनमें से कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, और सारे जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और खुश हैं और अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपकी फैमिली ब्लॉग में क्यों नहीं आती, तो मेरी फैमिली ब्लॉग में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो मैं भी इनको तंग नहीं करती। आपकी शादी कब है? तो मेरी शादी जो है वो कोई 6-7 साल बाद नहीं है मेरी शादी का भी मुझे खुद नहीं पता कि कब है, बस दुआ करें आप हो जाए, क्योंकि बस हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने पूछा हुआ है आपको खाने में क्या पसंद है, तो मुझे खाने में कुछ भी नहीं पसंद, जो कुछ मिल जाए मैं खा लेती हूँ। इवन के मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये पके तो मैं ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, जो पक जाए वो खा लेना चाहिए, क्योंकि मतलब कि खाना बस पेट ही भरना है ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी मिल जाए तो सभी बेहतर होता है। आपको कोई पसंद है? यार ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है वैसे, जो पेरेंट्स चूज़ करते हैं वही बेस्ट होते हैं, तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद हो, तो ये क्लियर है कि मुझे मेरी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं पसंद करती हूँ। आपको घर से डांट पड़ती है? यार किसे नहीं पड़ती है घर में डांट, सबको ही डांट पड़ती है, मुझे कोई दिन में 7 या 10 को दफ़ा जो है ना वो डांट पड़ती होगी, बल्कि 10 से भी ज़्यादा दफ़ा डांट पड़ती है, मम्मा से पड़ती है, क्योंकि हमारी जो मदर्स होती हैं ना वो अपने तरीके से चलाती हैं हमें। आपका फेवरेट कलर क्या है? ये तो कोई 4, 9, 10 कलर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, मतलब मेरा फेवरेट कोई कलर नहीं है, मुझे सारे कलर ही पसंद है। मेरी जो चॉइस है ना वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है,
और टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो मेरा जो कोई एक फिक्स जो है ना वो नहीं है फेवरेट कलर। वैसे ब्लैक भी अच्छा लगता है, पिंक मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है पिंक मेरी स्किन के ऊपर सूट नहीं करता। तो 10th वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ था कि आप को कुकिंग आती है क्या? हाँ हाँ जी, मुझे कुकिंग आती है, मैं बहुत अच्छी कुक करती हूँ। आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं सबसे अच्छा ना गुद्दू बना लेती हूँ मज़ाक कर रही हूँ। सबसे अच्छा तो नहीं पता, बस नॉर्मल चीज़ें बना लेती हूँ। शादी कब है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई दफ़ा पूछा हुआ है कि आपकी शादी कब है, शादी कब है? यार जब होनी हुई हो जाएगी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब है, जब होगी तो देख लेंगे। कौन सा कलर जो है आपको पसंद है? अगेन से वही क्वेश्चन कि कौन सा कलर आपको पसंद है। तो मुझे अभी मैंने ब्लैक पहना हुआ है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि मुझे ना ब्लैक ही पसंद है फ़िलहाल, मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है। आपकी एजुकेशन कितनी है? तो मैंने ये पहले भी क्वेश्चन बताया था, आंसर दिया था इसका कि जो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है साइंस सब्जेक्ट में। आपने यूट्यूब से अर्निंग की? यूट्यूब पर तो मैं अभी अभी मैंने काम स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह होप सो अल्लाह ने अगर चाहा तो यूट्यूब से अच्छा खासा कमा लेंगे। लेकिन दुआ है, आप भी दुआ करें कि मुझे यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। अभी तो नहीं हो रही है क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, तो यूट्यूब पे काम अभी मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे काम करूँगी तो हो जाएगी अर्निंग इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो चली जाएगा। हॉबी क्या है आपका? मेरा हॉबी जो है ना ट्रैवलिंग है, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, ये मेरा हॉबी है। वैसे मुझे घूमने फिरने का इतना ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं घूम फिर नहीं सकती क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और घूमने फिरने के लिए ना पैदल जाना चाहिए, जो कि नामुमकिन है। आपने कितने चैनल बनाए हैं? अभी यही चैनल है जिसके ऊपर मैं प्रॉपर और दिल से काम कर रही हूँ। मेरे पास और भी चैनल हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो है इसमें मैं स्पेशल काम कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह होप सो किसी न किसी दिन ये मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। तो आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना है ताकि मेरा जो चैनल है वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं यहाँ पर कामयाब हो जाऊँ। अच्छा, आगे आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे क्रेज़ नहीं है जैसे गर्ल्स को क्रेज़ होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? कोई भी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी है काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे सज्जल है, मैमिश है, कुबरा है, मतलब सारी ही अच्छी है, मुझे सारी ही अच्छी लगती हैं, एक्टिंग सबकी अच्छी है। यूट्यूब पर कितना कमा लेती हैं? अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूट्यूब जो है उसमें मैं इतना नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरा जस्ट स्टार्ट ही है तो हो जाएगा। जॉब करती हैं आप क्या? मैं जॉब कर रही थी, अब नहीं कर रही, तो अब मैंने करनी है दोबारा से रिज्वाइनिंग, कहीं भी देखते हैं कहाँ करती हूँ। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? फ्रूट तो मैं सारे ही खा लेती हूँ, फ्रूट मुझे ना स्पाइसी चीज़ों से ज़्यादा फ्रूट्स पसंद है क्योंकि फ्रूट जो है वो स्किन को भी हेल्दी रखते हैं, तो इसलिए मुझे फ्रूट्स जो है ना वो ज़्यादा सूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। क्या आपको चॉकलेट पसंद है? जी मुझे बस नॉर्मल पसंद है, मैं खा लेती हूँ लेकिन ऐसा क्रेज़ नहीं है। आपको आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा पसंद है? मैं आइसक्रीम फ्लेवर जो मिल जाए खा लेती हूँ, लेकिन अगेन से बहुत सिंपल लड़की हूँ, तो मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं करती। मतलब मैं कहती हूँ कि जो इंसान के पास चीज़ है ना उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में गुजारा करना चाहिए। जब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आप अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है ना लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास जितनी आपके पास चीज़ पड़ी हुई है ना और आप उस चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो तो वो लाइफ की सबसे सबसे अच्छी चीज़ होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके पास बहुत कुछ होता है और सम टाइम उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उनके बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, तो करते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो मैटर करती है।
नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, तो मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी अभी जो मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट विश है ना, वो ये है कि मैं एक्ट्रेस बनूँ, और एक्ट्रेस बनने का मुझे बहुत शौक है। अभी जुनून चढ़ा है, लेकिन मुझे उसका प्रोसीजर नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये मुझे चीज़ जो है ना अभी तक नहीं पता चली कि मैं किस तरह जो है ना इस चीज़ को कर सकती हूँ, अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकती हूँ, स्टेज पे खुद को किस तरह ला सकती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है लाइफ में आगे, क्या है क्या नहीं है। सोचा तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जैसे सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो खैर अब जो है उसी में खुश रहूँगी। आप नमाज़ पढ़ते हो? यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत पर्सनल होता है। हाँ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन पांचों नहीं पढ़ती, पहले पढ़ती थी, अभी पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है कि आप कौन से कंट्री जाना चाहेंगी। मुझे मैं कौन सी कंट्री जाना चाहूँगी, तो ये मेरी सबसे बड़ा हॉबी यही है कि मैं सारे कंट्रीज विज़िट करूँ। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। मेरी नेक्स्ट पूछा हुआ आपकी विश क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी विश जो है वो है कि मैं सारे पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट करूं, घूमूं, फिरूं। और आपके पास फ़ोन कौन सा है? तो दोस्तों मेरे पास फ़ोन जो है वो वीवो का है, और भी एक है, तो बस मेरे पास यही है। नेक्स्ट आपने पूछा हुआ है कि आप मेकअप कौन सा यूज़ करती हैं। मैं मेकअप जो है ना वो लोकल यूज़ करती हूँ, जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और एक तो एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरा मतलब ख़राब भी हो जाते हैं, तो फिर मैं लोकली लेती हूँ चीज़ें। आपको कौन से जूते पसंद हैं? मुझे लोकल चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि लोकल चीज़ें जो है ना वो देर पा चल जाती हैं, और ब्रांडेड चीज़ हम एक ही चीज़ लेते हैं और इतनी महंगी होती है और फिर उसको अरसा चलाना पड़ता है। आपके घर में कौन कौन है? तो दोस्तों मेरे घर में काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन मैं अलग रूम में रहती हूँ, तो अलग जो है ना अपना सारा सेटअप है मेरा। आप कौन सी जॉब करती हैं? मैं जॉब टीचिंग कर रही थी, अभी नहीं कर रही हूँ, पहले कर रही थी काफ़ी अर्सा पहले, तो अभी मैंने टीचिंग जो है वो छोड़ी हुई है। आपको कितनी सैलरी मिलती थी? मुझे जो सैलरी मिलती थी ना टीचिंग में, वैसे सैलरी नहीं है, सैलरी ना ही पूछे तो अच्छा रहता है। टीचिंग बहुत 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 कम सैलरी मिलती है, तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ी थी। तो मेरा थोड़ा सा ध्यान यूट्यूब की तरफ आ गया कि अगर यूट्यूब पे अच्छा काम कर लिया जाए तो बाकी जो है ना काम करने ही नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपने पूछा हुआ है कि आपने 500 सब्सक्राइबर कैसे किए हैं पूरे, तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी सपोर्ट का नतीजा है, जिसके थ्रू मुझे ये सब्सक्राइबर मिली हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा हुआ है जी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी कास्ट क्या है, और आप कहाँ कैसा इंसान चाहती हैं। मैं कहती हूँ कि जो भी आए मेरी लाइफ में इंसान का बच्चा आए, और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यहाँ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।